स्वागत आपका, मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। देश को चलाने के लिए किन किन नियमन का आवश्यकता है, वो सबों को छानबीन कर संविधान सभा ने देश में एक संविधान की संरचना किया, जो 26 जनवरी 1950 को एक संविधान निर्मित हुआ। हमारा देश 1952 से गणतांत्रिक देश माना जाता है। यह गणतांत्रिक के देश में जनता के हित के लिए, जनता के संचालन के लिए और सत्ता के अंतर्गत रहने वाले शक्तियों को जितनी शक्तियां दी गई, जनता को जो भी शक्तियां दी गई वो संविधान में नहीं थी। आज भी वो हमारा संविधान लिखित संविधान है, कोई मुंजाबानी जमा खर्चा नहीं है, और वो हीलियम गैस के अंदर रखा गया है। आज भी हमारा जो है पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में वो संविधान आज भी लिखित हीलियम गैस के अंदर रखा हुआ है। अब कहिए हीलियम गैस के अंदर क्यों रखा गया? तो हीलियम एक ऐसा गैस है जो गैस न जलता है न किसी प्रकार की किसी को क्षति करता है, तो उसके संरक्षण के लिए हीलियम गैस की व्यवस्था की गई कि वो संविधान में दीमक न लगे, वो सड़े नहीं, गले नहीं, आग नहीं लगे, इससे इसके संरक्षण के लिए उसको आज तक हीलियम गैस के अंदर रखा। और वो संविधान पोलैंड के संविधान के तहत वो बहुत सारी बातें जो है जर्मनी से बातें ली गई, इंग्लैंड से बातें ली गई, अमेरिका से ली गई, रशिया से ली गई, माने जितने भी दुनिया के अंदर देश था उस सभी देश के संविधानों का अध्ययन करके हमारे संविधान सभा की शक्तियों ने जो है एक ऐसे संविधान की संरचना की जो दुनिया में नहीं, ऐसा डेमोक्रेटिक सेटअप दुनिया में कहीं नहीं है।